लक्ष्मण सिंह रावत, पूर्व गृह राज्य मंत्री व उपाध्यक्ष पीसीसी के नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भीम द्वारा कांग्रेस कार्यालय भीम में बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में डॉक्टर रावत द्वारा सभी कार्यकर्ताओं से आगामी पंचायत राज चुनाव हेतु कमर कस से तैयारियां शुरू करने का आह्वान किया गया। डॉक्टर रावत ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से नए सदस्यों को जोड़कर पार्टी को मजबूत प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार की जनहितैषी योजनाओं से भी सभी को अवगत कर जन कल्याणकारी कांग्रेस सरकार के प्रचार प्रसार कर पार्टी को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। बैठक में देश की भाजपा सरकार द्वारा विश्वव्यापी कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बजाय दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाकर जनता को परेशान करने को लेकर केंद्र की सोई सरकार को जगाने हेतु उपखंड मुख्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन की चर्चा की। बैठक के पश्चात पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा, श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष प्रभुदयाल नागर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अंशी देवी, भीम सरपंच अमर सिंह, टोंगी सरपंच नारायण सिंह, बालोद की गुरु की गुवार किशोर चंदेल, मोहन सिंह नेताजी, सुरेश मेहता, पूर्व सरपंच ईश्वर सिंह, पूर्व सरपंच घीसूलाल भवर सिंह, पूर्व सरपंच मोहन सिंह, पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी दक, पूर्व सरपंच मिठालाल, पूर्व सरपंच सोहन मेवाड़ा, युवा ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रवक्ता धन्नालाल सेन, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ऋषिराज सिंह, डूंगर सिंह, गगन दास, कुंदन सिंह तितेरी, राजेंद्र सिंह, गंगा जी खेड़ा, बुद्धा सिंह भाटिया, धन्ना संगमनेर, बलवीर सिंह कुकररेड़ा, निर्मल सिंह एडवोकेट, सूबेदार बन्ना सिंह, नारायण सिंह मंडावर, प्रभु सिंह थानेटा, मुकेश भट्ट, डॉक्टर जीवन सिंह भक्त जी, गौरव आचार्य सागर, गणपत सिंह गोदाजी गांव, गोविंद सिंह, पूर्व प्रिंसिपल महिला ब्लॉक अध्यक्ष भाई एलसी, धन्ना सिंह नेड़ी, असलम मोहम्मद, पुष्कर सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।